नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जी पैट हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर हम जी पैट देते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कब शुरू करें और किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा अच्छा स्कोर आए और हमको आगे उसमें स्कॉलरशिप मिल सके। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मास्टर्स करना हो या नहीं करना हो, लेकिन नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर जरूर करना चाहिए। उससे एक तो हमारा बेस क्लियर होता है और साथ ही साथ हमारे बायोडाटा में जब वो ऐड होता है कि हमने जीपैट क्वालिफाई किया, हमारा एक रैंक आया, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जीपैट की प्रिपरेशन जरूर शुरू करें और उसको क्वालिफाई जरूर करें। अब बात ये आती है कि अगर हमको जीपैट देना है तो उसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो बेस्ट तो ये होगा कि आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर दें, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में भी हैं तो भी अभी आप लेट नहीं हुए हैं, आप प्रिपरेशन शुरू करिए। कैसे प्रिपरेशन करना है, तो फर्स्ट स्टेप उसके लिए ये होता है कि आप जीपैट का सिलेबस डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें, और जो 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 चैप्टर्स अभी आपके इस ईयर में हैं उसको हाईलाइट कर लें, और उससे रिलेटेड जो छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आप बनाने शुरू करें। मतलब शॉर्ट में, वन लाइन में आप पहले नोट्स बना लें, पहली चीज। और साथ ही साथ जिन टॉपिक का आप नोट्स बना चुके हैं उनकी आप टेस्ट सीरीज होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कई ऑनलाइन अवेलेबल है, कई बुक्स अवेलेबल है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इसकी प्रिपरेशन में ये आता है कि आप 3-4 स्टूडेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लीजिए। और मेरा एक हमेशा से कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि बहुत छुपा छुपा के पढ़ने की, ऐसा कभी नहीं करें। बहुत अच्छा होता है कि अगर 4-5 बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें मिलके और पांचों बहुत अच्छा स्कोर करें, तो ये एक अचीवमेंट की बात होती है। अगर आप एक दूसरे से छुपाएंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के सभी लोग एक माउंटेन को क्लाइंब कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए और जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं सभी एक साथ पढ़िए। अपने घर पर आप प्रिपेयर करते हैं तो अगले दिन आकर के एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए। ग्रुप डिस्कशन हमेशा बेनिफिशियल रहता है। हम लोगों ने भी अपने टाइम पे वैसे ही पढ़ा और बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया, तो उसी को आप भी फॉलो करिए। फिर इसके बाद अगला आता है कि कितना पढ़े, कितनी देर पढ़े। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप रोज का 1 घंटा भी सिर्फ जीपैट के नाम से निकालते हैं तो बहुत है, और जो पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवीजन भी करते चलिए। तो इसलिए मैंने बोला आप ग्रुप बनाइए। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी भी आप एक दूसरे से पिछला पढ़ा हुआ में से भी एक आध क्वेश्चन पूछिए, तो वो आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे स्पेशली केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमको नहीं याद रहते हैं, लेकिन आप बार बार उसको एक दूसरे से पूछेंगे, कुछ ट्रिक्स के साथ उसको पढ़ेंगे, कुछ एक दूसरे के जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं उससे अपने खुद के ट्रिक्स बनाएंगे, तो वो आपको चीजें याद हो जाएंगी, आप उसको एग्जाम में अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ कि आप कलरफुल पेन्स लेके नोट्स बनाए, तो वही सेम आपका हम इसमें भी आपको सजेशन देंगे कि आप उसको जरूर फॉलो करिए। नोट्स बनाते हैं तो बहुत रंग बिरंगी स्केच पेन्स का एक सेट खरीद लीजिए, उससे बनाइए, तो वहां आपको एग्जाम में 100% वो रिकॉल होता है, वो एक विजन आता है उस समय कि हमने वो वैसा लिखा था, तो उसका ये आगे ऐसा आप एग्जाम में आ सकता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना करके याद करिए, बहुत ज्यादा लिख लिख करके याद करिए, तो वो चीजें आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। स्पेशली केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हैं, सीधे एकदम मन लगा करके पढ़िए। तो मुझे लगता है कि कुछ हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप इस तरीके से जीपैट की प्रिपरेशन करें। तो अब हम ओवरऑल समराइज करेंगे। तो पहली चीज ये है कि आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करिए, एक ग्रुप बनाइए, सिलेबस को अच्छे से अपने पास निकाल के रखिए, जो जो चैप्टर्स अभी होते जा रहे हैं आपके उनको अलग से नोट्स बनाइए जीपैट के हिसाब से, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को निकाल लीजिए, उसमें देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं आपको 100% गारंटी से बोलती हूँ कि
जिन लोगों के अच्छे स्कोर आते हैं वो हम में से ही लोग होते हैं, वो कोई बाहर से कुछ स्पेशल नहीं होते हैं या कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप वो नहीं कर सकते हो। तो अपने आप में एक भरोसा रखें, एक मोटिवेशन रखें कि आप कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और भी हम आगे वीडियोस लेके आएंगे, तो हमारे YouTube चैनल SRIP एडू फार्म को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।